Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we are going to discuss a very important topic, and that is non-Hodgkin's lymphoma. Now friends, Hodgkin's lymphoma ke upar maine previous lecture upload kiya hai, so if you haven't watched that yet, aap I link pe click karke usse watch kar sakte ho. And also all of the important exam based topic of practice of medicines are included in a form of playlist, जो कि आपको playlist section में मिल जाएगी, तो आप जरूर visit करिएगा. I'm sure you will find many useful topics there. Now, if you do not want to miss the upcoming updates of Medicure Buddy, all you need to do is click on the bell icon and subscribe to Medicure Buddy. Now, let's start discussing non-Hodgkin's lymphoma. Non-Hodgkin's lymphoma है क्या? ये एक lymphoid malignancy है जो किस चीज को affect कर रही है? देखिए, तो ये basically affect करती है जो B और T lymphocytes हैं, ठीक है? ये malignancy है और ये क्यों होती है? Clonal expansion जब बढ़ने लगती है B lymphocytes या T lymphocytes, तो non-Hodgkin lymphoma occur होता है. इसकी etiology और pathogenesis की अगर हम बात करें, तो etiological factors क्या होते हैं? अगर कोई person है जो immunodeficient है, तो उसमें non-Hodgkin lymphoma होने की chances होती हैं. अगर कोई person है जो infection से suffer कर रहा है, certain infections like Epstein-Barr virus का infection, HCV का infection, Chlamydia sitaki का infection, तो उसमें non-Hodgkin lymphoma होने की chances बढ़ जाते हैं. Herbicides के contact में है अगर कोई person, diet ले रहा है rich in meat and fat and previous treatment उसका Hodgkin's disease का हो चुका है, तो there are chances that वो जो person है उसमें non-Hodgkin's lymphoma हो जाए. It is now accepted that the incidence of certain lymphomas increase in immunodeficient subject. ये हमें पता है that immunodeficient जो subject होते हैं उनमें जो लिम्फोमा है, कोई भी डिजीज है, उसके प्रीवेलेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं. द एसोसिएशन ऑफ सर्टेन सब टाइप्स ऑफ लिम्फोमा विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज नाउ एस्टैब्लिश्ड एंड इंक्लूड्स म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू दैट इज MALT माल्ट. ठीक है, ये किस वजह से हो रहा है? हेलिकोबैक्टर पाइलोराई की वजह से. प्राइमरी क्यूटेनियस लिम्फोमा जो है वो किस वजह से हो रहा है? बोरेलिया बर्गोडेफेरिक के वजह से. एंड ऑक्यूलर एडनेक्सल लिम्फोमा जो हो रहा है ये क्लेमाइडिया सिटाकी की वजह से हो रहा है. तो ये जो तीनों कारण है ये सब टाइप्स है लिम्फोमा के जो कि बैक्टीरिया की वजह से कॉज हो रहे हैं. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, There is a classification of non-Hodgkin's lymphoma which has been mentioned here. ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो this is the table that represents the staging of non-Hodgkin's lymphoma. So basically पहले जो precursor cells है अगर उनके बढ़ने की वजह से हो रहा है तो precursor B lymphocytic leukemia होगा, sorry lymphoblastic leukemia, and precursor T lymphoblastic leukemia. तो अगर B cells बढ़ रही है तो B lymphoblastic, T cells बढ़ रही है तो T lymphoblastic, अगर mature B cells का neoplasm है तो there are these are the types. ठीक है, hairy cell leukemia है, plasma cell leukemia है, then Burkitt's lymphoma है, this is also a very important subtype. फर्दर एक्स्ट्रा नोडल मार्जिन में जो माल्ट लिम्फोमा होता है वो देखने को मिल सकता है. अगर मेच्योर सेल टी सेल्स या फिर एन के सेल नेचुरल किलर सेल्स के बढ़ने की वजह से हो रहा है, सो दीज आर द सब टाइप्स ऑफ द नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा. मूविंग ऑन, इम्यूनो डेफिशियंसी एसोसिएटेड लिम्फो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स. ठीक है, IALD, दीज आर द टाइप्स. ये किस वजह से होते हैं? अगर इम्यूनो डेफिशियंट है पर्सन तो उसमें ये सब देखने को मिल सकते हैं, जैसे HIV वायरस रिलेटेड लिम्फोमा हो सकता है, पोस्ट ट्रांसप्लांट लिम्फोमा हो सकता है बिकॉज उस टाइम भी इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स लिए जाते हैं,
मीथोट्रेक्सेट एसोसिएटेड लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द सब टाइप्स। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस द हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। तो क्लिनिकली लिम्फ नोड एनलार्ज तो मिलेगा ही इस लिम्फोमा में, विथ और विदाउट स्प्लीनोमेगैली। एक्स्ट्रा लिम्फेटिक प्रेजेंटेशन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हेड और नेक रीजन इन्वॉल्व हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्किन, बोन मैरो एंड रेयरली इन बोन, टेस्टिस, लिवर एंड लंग्स। तो इसकी जो एक्स्ट्रा हेपेटिक प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत कम होती है। नाउ जो बी सिम्टम्स है, इसका जो प्रेजेंस है, दे हैव एन एडवर्स प्रोग्नोसिस इसके केस में। लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करेंगे, तो टेबल नंबर जो 3 है इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सो बेसिकली जो भी डायग्नोस्टिक और स्टेजिंग वर्कअप था लिम्फोमा का, दिस इज व्हाट वी स्टडीड फॉर हॉजकिंस लिम्फोमा एंड दिस इज द सेम प्रोसीजर दैट यू नीड टू गो फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा एज वेल। ओके, सो टेबल नंबर 3 में वो चीज मेंशन की गई थी। अब हम अगर जाते हैं इसकी कैसे हम स्टेजिंग कर सकते हैं, या फिर देयर आर सर्टेन अदर प्रोसीजर्स लाइक CSF की स्टडी हम करते हैं ये पता लगाने के लिए कि CNS इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। वी कैन ऑल्सो गो फॉर कंप्यूटर टोमोग्राफी एंड चेस्ट रेडियोग्राफी, ठीक है। कुछ लोग पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी भी यूज करते हैं, ये एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है और स्टेजिंग करने के लिए लिम्फोमा की बहुत एक्यूरेट टेक्निक है, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, क्या है, PET विच इज नोन एज पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। स्टेजिंग सिस्टम सेम एन आर्बर स्टेजिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर हॉजकिंस लिम्फोमा में पढ़ाया है। इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो येट, प्लीज आप एक बार उसे विजिट करिए। आई एम श्योर यू विल फाइंड मेनी यूजफुल इंफॉर्मेशन देयर, जो कि आप एग्जामिनेशन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज इट अबाउट टूडेज सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। वी हैव डिस्कस्ड ये किस वजह से हो रहा है, क्या होता है, etiology क्या है, then we have discussed the clinical types, we have discussed how to investigate it, इसकी staging देखी है हमने, and laboratory investigations as well. So this is it. I hope I have made you all understand. अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं। इस video को like कीजिएगा, अपने friends और batchmates के साथ share करिएगा, and मिलते हैं next video में। Till then, happy learning.